Shut up, Shinkoro! मारू बस समाचार दांत महाराजा अगर तोड़ोगे तो मैं जानेंगे हम चक्कर है बच्ची सब तुम लोग पॉइंट बनाओ पॉइंट बनाओ शायद नहीं चले चट्टी बनाओगे पैग 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 बना तो कौन सा पटियाला पटियाले रे पटियाले रे पटियाले धरा साले चले पटिया का मतलब चले पटिया हाथी मालिक आधा गिलास हाथ पैर चले कहते हैं चाल बना मालिक समझ गया समझ बना रे पागल बना पाए ला हम जय हनुमान ज्ञान साले बोलावे सो तो पर हनुमान चालीसा पढ़ो अब बाबू अब यानी नींद पर चल चढ़ाई हट पड़ी पे चढ़ा रहा है साला हम कह रहे हैं ठीक से देखा था ठीक आप एक तो बिल्कुल ठीक है साल का एक्सपीरियंस है मालिक और उम्र कितनी है 36 साल और मुन्नी लाल तेरा पैर बन गया आया है यहाँ वो आने जो दोखो साल एक मिनट नहा को कहाँ रहे ये हाथ पैग है आधा गिलास है तुझे आधा फूल समझ नहीं आता नो अरे गधे ये फूल हो गया हाँ बाबू या तो फूल हो गई चला बता रहा फूल हो गया अब पानी कैसे मिलाऊंगी मिलाए चाहे ना मिलाए पिए तो आप लोग को अच्छा हम लोगों को पीना है इसीलिए फूल बन दिया हाँ जान के लेकिन मुन्नी लाल और चुन्नी लाल आज इस पैक को हम लोग नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा इस पैक को तुम लोग खुद पियोगे मालिक क्यों आप कहा दिया पैक हम पी हाँ इका पिए तो पी डाई और पिए के बाद जो चढ़ेगा है नस नस नहीं तेरे हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाएंगे साले अरे उसे नशा करते और जो हमें चढ़ा नशा फिर और नशे में फिर हमका कुछ सूझ नहीं मिला हाँ। और नशे में कहा पता छक्के मालिक का बटोर दे कहने के मतलब इसको पीने के बाद सारे धारा सुन लो जाओ ए भी सोच लो आज फिर आ जाता हूँ सालो तो पहला भी जानता हूँ लैपटॉप रखे हो लैपटॉप नहीं ड्यूटीएस भी रखी है साले टैबलेट रखा है चला अपने पैक लगा फटाफट बैठो कमल आप लोग बड़े आप लोग पहले पियो आप लोग बड़े आप लोग पहले पियो हम दोनों भाई का बात की पिया समझो पिया नहीं सारे टोका पान फटार समझोगे लंबे दर मुन्नी लाल का कहने का मतलब आप समझे नहीं मैंने मुन्नी लाल का कहने का मतलब ये है कि पहले आप लोग पिल्ली बाद में हम दोनों भाई पिल्ला
सब पिल्ले पिल्ले रहा है। वहाँ वहाँ हम आगे कहें वो पाचे। अरे ऐसे बोलते हैं आप लोग पिलो हम पिलेंगे। अरे पिल्ले पिल्ले बोला। क्या पहले हाथ धो ले हो इतनी महंगी शराब चाले तेरे हाथ पैर धोने के लिए इसीलिए तो सारा फूल बना लिया था पहला बात ले जाओ साला पी लिया साला कसाना गंगा कर दिया मजे तो आ गई छोड़ी और क्या कर लो 50 ग्राम बंदा तो साले को रहा जलम घर जान बोलने लगा उतने पीड़ा ऐसे आवाज न रहना साले अरे हम मुन्नी लाल का पिला रहा अरे पिला रहा बोला मजा तो आ गया थोड़ी होटल में कर लेगा मजा नहीं अभी ग्राम सभा भी आ गई सारा मजा को सारा मौजा बोल रहा है इतनी पीला कितनी हजम हो गया पिला रहा कि साले पिला रहा मारे तुम भी थोड़ी सी जानो मेरी धर्म पतेली अब लो सारा पतेली बोल रहा अच्छा अच्छा हाँ तो क्या करूँ वह जो वो बाबू हवाई जहाज कुआबर हागा हवाई जहाज नहीं कहा भैंस हो रही है साली तुमको भी सब कुछ दिखाई पड़ेगा क्या बोल वो यहाँ कोहिये में ढूंढ लिखा थे अरे वो तो है ही है यार वो या को सामने बीच में बीरवा देखा है हाँ बड़ा वो या को बीरवा बहिया बैठे ना वो बैठा है वो या को सामने बैठे अरे मैं तो नहीं दिखाई पड़ता वो या को गाय को मुर्गा अंडा दे रहा है अब समझो इनकी दोनों की शर्म भी मेरी दी अरे तो रहा सारा कह रहा मुर्गा अंडा दे रहा मजा तभी आएगा हाँ जब थोड़ी थोड़ी से हम लोग फूल लगाएंगे तब सही कहते हो आप बदलता आप ऐसा होता
दर्शन हो गए सालो खराब बनने लगे साला चाहते तो मैं सामने बोला तू तो साला बाजा बजवा रहा है एक सिल्ली बड़ा मंगा दियो क्या करेगा सारे बर्फ को सिल्ली को लेते हो तो वही में जम जाएगा ये वैसे शराब हुआ इसको अरे दोनों की मेमोरी डिलीट हो लेकिन आज मुझे बात याद आ गई कौन सी बात कमल खान भाई आप बिना मौजूद में बात आज कमल खान सिंह बिना मौजूद में रंग बात है ये भी कोई कहने वाली बात ना तो किसी वाले में आता है नहीं तो कमल खान सिंह का महाव धन्यवाद।
इसको देखो सारे गई है अबे साले तरह का है तेल है ये बस सोए भाई बक रहा है माली माली हाथों लगाम नहीं खड़ा था क्या मुन्नी ललवा नहीं खड़ा इसको काफी नशा हो गया हमका लाकर तेल के नशा हो गया इसको बाहर जोत के बाहर कर दे चलेगा
तुरंत तत्काल चला उतना पे लिया उठ नहीं पाता है राम दादा जाली जा रहा इसीलिए मैं कह रहा था किसानों को कम पिलाओ कम पिलाओ अरे पीने में तो फसल नहीं रखते बड़ी खुशी की बात है मुन्नी लाल भूसा में पकड़ के मुंह खास पीना चले गए अरे साले वो नशे में है मर जाएगा ना है बाबू गर्मी छूटी पसीना निकली ऊपर बल्ला बनाया मोर साले खराब कर देते वो देखा मालिक ये मुंडी लाल देखे जाएगी माली एक बोर्ड देखा तो है पकड़ के एक ही बस सब तरी चला होगा ना खराब साले के लेते तब वैसे नशा सलाम नशा तो हमको भी हो गया आपने मेरे पास को फोन करवाया था हाँ कोई जरूरी काम तो नहीं हाँ कभी काम हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है तो कैसा आइडिया है बोले ठाकुर कमल साहब वैसे तो अपना लोगों का बहुत बड़ा कारोबार है अब कौन नहीं जानता इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग एक शराब की फैक्ट्री लगवा ले शराब की फैक्ट्री हाँ कमल साहब लेकिन आप ये सोचे भाई शराब की फैक्ट्री लगवाने के लिए हम लोगों को 500 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी भलाई काम कैसा हो सकता है यानी तुम्हारे जो कहने का मतलब कि हम लोगों को जमीन की जरूरत पड़ेगी अरे फिर क्या शराब की फैक्ट्री कैसे चलेगी वो जमीन हमारी नजर में है कमल का आपकी नजर में हाँ कमल का लेकिन वो है कावे ठाकुर वो है ना अपने पड़ोस में हरिपुर गांव जहां पर वो किसान लोग रहते हैं अगर वो जमीन हम लोगों को मिल जाए तो वहां एक आदिशान फैक्ट्री बन सकती है और जो कमाई हम लोगों की आज लाखों में है कल करोड़ों में हो सकती है आप फिर कमाल की बात करते हैं बड़ा डांडे तुम्हार से सड़कों पर बैठा कौन अरे उस जमीन पर वो गरीब किसान बेचारे अपने बीवी बच्चों को लेकर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं फिर भला वो जमीन कैसे छोड़ सकते हैं उसका भी तरीका है कमल का तरीका है उस बस्ती का रहने वाला हर किसान इस ठाकुर प्रताप सिंह का कर्जदार इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग चढ़कर अपना कर्जा वसूल करते हैं अगर कर्जा दे देते हैं तो सब तो ठीक है और अगर नहीं देते हैं तो उनके अंगूठों का निशान हम लोग अपनी कोड़ी आपके कहने का मतलब समझा लेकिन आप अपने शब्द में बताइए कमल कम सी को करना क्या पड़ेगा
तो सुन मेरी बात,